दोस्तों, आप में से अक्सर बहुत लोग पूछते हैं जो स्पार्क प्लग के बीच में जो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप होता है उसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोड के बीच का गैप मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो है यदि इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप नहीं हो पाएगा तो जो स्पार्क की क्वालिटी है या जो स्पार्क की इंटेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं हो पाएगी, जो कि इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहेगी कि आपके एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करा पाए। तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला कि दोनों के इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल बीच का गैप है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। दूसरा जो केस है कि इलेक्ट्रोड के बीच का गैप जो है थोड़ा कम हो गया है। और तीसरा केस होगा कि इलेक्ट्रोड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब तीनों केसेस में जो है स्पार्क की क्वालिटी वो उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं आपस में स्टिक हो चुके हैं, तो उस केसेस में जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार का जो है स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों जो पूरा स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट हो चुका है, तो इस कारण से किसी भी प्रकार का स्पार्क जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा जो केस है कि जो स्पार्क प्लग दोनों बीच के इलेक्ट्रोड का बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो यदि थोड़ा सा गैप कम हो गया है तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पार्क की इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच का जो है गैप कम हो गया है, जिस कारण से क्या होगा कि स्पार्क का जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा, जो कि इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहेगा कि एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को प्रॉपरली इग्नाइट करा पाए। तो इस कारण से आपको क्या होगा कि बहुत बार ऐसा फील होगा कि जो आपकी स्कूटी या बाइक है वो मिस फायर कर रही है। और कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जो स्पार्क प्लग का गैप हो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो यदि गैप इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब स्पार्क प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि एयर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि हमारा एयर है उसको आयनाइज करा पाए, जिस कारण से स्पार्क क्या होगा सेंटर इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा या वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो उस कारण से क्या होगा कि स्कूटी जो है मिस फायर करेगी या बहुत केसेस में जो है स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये थे तीन केसेस जिसमें यदि आपका गैप प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहता है तो डिफरेंट प्रॉब्लम आपके स्कूटी या बाइक में आ सकती हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपने स्पार्क प्लग को गैप को चेक करें और यदि ना हो तो टाइमली इसको जो है स्पार्क प्लग को आप रिप्लेस कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।